नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। दिव्यांगजनों के लिए कनीना उपनागरिक अस्पताल में चल रहे दो दिवसीय शिविर का हुआ समापन। दूसरे दिन भी शिविर में पहुंचे 160 लोग, करीब 130 की हो पाई जांच। दिव्यांगजनों के लिए उपमंडल स्तर पर लगाए जा रहे हैं शिविर की लोगों ने की प्रशंसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट। उपनागरिक अस्पताल कनीना में क्षेत्र के दिव्यांगजनों के लिए लगाए जा रहे दो दिवसीय शिविर का मंगलवार को समापन हो गया, जिसमें दो दिनों के अंदर करीब 299 दिव्यांग अपने दस्तावेजों का समापन करवाने के लिए केंद्र पर पहुंचे, जिसमें से करीब 259 मरीजों की ही जांच हो पाई। कुछ लोग दूसरे दिन शिविर में देरी से पहुंचने की वजह से अपनी जांच नहीं करवा सके। अब उक्त लोग अटेली स्थित सरकारी अस्पताल में चलने वाले तीन दिवसीय कैंप में पहुंचकर अपनी जांच करवा सकते हैं। उपनागरिक अस्पताल करीना के SMO सुंदरलाल ने जानकारी देते हुए बतलाया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिव्यांगजनों के यूनिक ID कार्ड बनाए जा रहे हैं। दो दिवसीय शिविर के दूसरे दिन 160 दिव्यांगजनों के कैंप में पहुंचकर टोकन प्राप्त किए। उन्होंने बताया कि इस शिविर के माध्यम से केंद्र सरकार डेटाबेस तैयार कर ये जानना चाहती है कि देश में कितने दिव्यांगजन हैं, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं में शामिल कर मदद मुहैया कराई जा सके। पहले दिव्यांगजनों को ऑफलाइन प्रमाण पत्र जारी किया जाता था, लेकिन अब योजना के तहत सिर्फ ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अनुसूची जारी कर शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे दिव्यांगजन लोगों को रोहतक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। स्थानीय स्तर पर जांच के बाद उनके प्रमाण पत्र व ID कार्ड बनाए जाएंगे। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हमारा पहले कैंप महेंद्रगढ़ में पूरा हो चुका है, अभी दो दिन यहाँ हुए, इसके बाद तीन दिन जो है टेली है। इसलिए दो टीमों का गठन किया गया था, तो जो इस टीम पर जो हमारी है वो यहाँ पे करे रहते हैं, बाकी टीम जो वहाँ पे बिना अलग से दिया गया। दिव्यांगों को आज यहाँ घर बैठे सुविधाएं दी जा रही है, इसके बारे में देखिए सरकार का बहुत अच्छा कदम है। पहले दिव्यांगजनों को जो है अपने से दूर जाना पड़ता था या जिला स्तर पर जाना पड़ता था, तो अभी ये उनके जो निकटतम स्थान पर उपलब्ध कराई गई है सरकार की, इसका हम स्वागत करते हैं और ये मरीजों को भी इसका जो है बेनिफिट ही है।